पैन में सबसे पहले हमने ऑयल ले लिया है, तो हमने इसमें डाल दी थोड़ी सी गाजर, थोड़ी सी कटी हुई बीन्स, हम डाल देते हैं थोड़ी सी शिमला मिर्ची। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी स्प्रिंग ऑनियन। अच्छे से मिक्स करें और 2 मिनट के लिए हम इसे सॉटे करेंगे। तब तक हमारा ये वेजिटेबल्स सॉटे होते हैं, हम राइस तैयार करते हैं। अब हमने एक बाउल राइस लिया है, इस राइस को मैंने हल्का सा नमक डाल के अच्छे से पका दिया और अब मैंने इसको छान के जो है पानी निकाल के हम इसे ले लिया है। अब हम इसमें डालेंगे एग, तो मैं इसमें 2 अंडे डाल रही हूँ, तो 2 अंडे को अच्छे से मैं फेंट देती हूँ। जैसे 2 अंडे लिए हैं मैंने अच्छे से फेंट देती हूँ। अब इस फेंटे हुए अंडे को हम इसमें चावल में मिक्स कर देते हैं, इसे अच्छे से मिक्स कर दें। इसे अंडे को हमने अच्छे से चावल में मिक्स कर दिया है। वेजिटेबल्स हमारे 2 मिनट के लिए सॉटे हो गए हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, तो चावल को ऑलरेडी हमने नमक डाल के पकाया है, तो हम इसमें स्वाद के अनुसार थोड़ा सा वेजिटेबल्स में नमक आ जाए उसका नमक डाल देते हैं। अच्छे से मिक्स करें और अब हम इसमें डाल देंगे हमारे राइस। इसे धीरे धीरे मिक्स करते रहें, इसे हमें कंटिन्यूस चलाना है क्योंकि हमने इसमें एग डाला है, तो अगर हमने इसको नहीं चलाया तो वो एकदम से स्टिफ हो जाएगा। तो हमें इसको बिल्कुल अलग अलग खुला हुआ बनाना है, तो इसको धीरे धीरे चलाते रहना है और आप इसको अच्छे से मिक्स करते रहें। बिल्कुल हल्के हाथों से करें, जो आँच है हमारी उसको तेज रखा हुआ है ताकि जल्दी से हमारा जो अंडा है वो फ्राई हो जाए। आप देख सकते हैं धीरे धीरे इसका जो गीलापन है वो ख़त्म हो रहा है और बिल्कुल अच्छे से एकदम खिला खिला राइस जो है निकल रहा है। आपने अलग अलग तरह के जो है फ्राइड राइस देखे होंगे, ये थोड़ा डिफरेंट है। मैंने आज जो है कोरियन स्टाइल का फ्राइड राइस ट्राई किया है और एक्चुअली बहुत अच्छा बना था, इसलिए आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो चावल है हमारे अलग से खिले खिले से आ रहे हैं। तो अब आप जो आँच को है थोड़ा सा मीडियम कर दें ताकि जले ना, तो बस उसको धीरे धीरे इस तरह से चलाते रहें। अंडा हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं बिल्कुल खिले खिले चावल आ गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सोया सॉस, तो सोया सॉस मैं बिल्कुल कम ले रही हूँ, एक छोटा टीस्पून सोया सॉस ले रही हूँ। मिक्स करें, अब इसे हल्का सा स्पाइसी बनाने के लिए हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। आप चाहे तो पेपर को ज़्यादा कम कर सकते हैं, जैसा आपको तीखा चाहिए उस हिसाब से आप कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करें, कोरियन स्टाइल फ्राइड राइस हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। अच्छी खुशबू भी आ रही है और बहुत टेस्टी लग रहा है, और ये जो है एकदम क्विक रेसिपी है, तो फटाफट से हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 5 से 8 मिनट के अंदर हमने इसे बना दिया है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और बच्चों के टिफ़िन के लिए तो ये बेस्ट रेसिपी है, तो क्विक लंच बोल सकते हैं इसे, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें।